हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट मैथ्स का रिवीजन करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एनसी बच्चों यहाँ पर सही आंसर को चूज़ करना है क्वेश्चन इज वॉट इज़ द यूनिट टू मेज़र वेट वेट को मेज़र करने की मापने के लिए कौन सी यूनिट होती है तो बच्चों ऑप्शन है किलोमीटर किलोग्राम सेंटीमीटर लीटर तो इसका करेक्ट आंसर है किलोग्राम ऑप्शन नंबर बी पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है हाफ ऑफ ए राइट एंगल इज़ इक्वल टू बच्चों राइट एंगल के हाफ जो है वो किसके बराबर होता है तो बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री और थर्टी डिग्री तो बच्चों किसके बराबर होता है फोर्टी फाइव डिग्री के तो इसके फर्स्ट ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट इज सेवन हंड्रेड ग्राम झींगा फिश प्लस हाउ मैनी झींगा फिश इक्वल वन किलोग्राम झींगा फिश बच्चों सेवन हंड्रेड ग्राम झींगा फिश में हम कितनी झींगा फिश जो है मिलाएं कि एक किलोग्राम झींगा फिश हो जाए तो बच्चों हम कितनी प्लस करेंगे थ्री हंड्रेड ग्राम नेक्स्ट है अ क्लोज फिगर विद फाइव साइड इज नॉन एज बच्चों एक फाइव साइड वाली क्लोज फिगर को किसके रूप में जाना जाता है ऑक्टागन पेंटागन हेक्सागन और हेप्टागन तो बच्चों आंसर है पेंटागन तो इसके बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट इज इफ वी ज्वाइन टू स्क्स यदि हम दो स्क्स को जोड़ते हैं द न्यू शेप फॉर्म्ड विल बी आ तो जो नई शेप बनेगी वो क्या होगी स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल और नन ऑफ दीज तो बच्चे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स बच्चे यहाँ पर सही और गलत बताने हैं वन हंड्रेड एट्टी डिग्री एंगल इज राइट एंगल तो बच्चे फॉल्स है नेक्स्ट इज द शेप ऑफ ए कैरम बोर्ड इज लाइक अ स्क्वायर एक कैरम बोर्ड जो होता है उसकी जो शेप होती है स्क्वायर जैसी होती है तो बच्चों हाँ इट इज़ ट्रू यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे फाइव किलोग्राम राइस इक्वल वन थाउजेंड ग्राम राइस तो बच्चे गलत है यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है टू अपॉन थ्री ऑफ अर डे इज सिक्सटीन आवर्स तो बच्चों वन डे में कितने आवर्स होते हैं ट्वेंटी फोर तो हम ट्वेंटी फोर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया एट अब बच्चों एट को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया सिक्सटीन इट मीनस ये जो है ट्रू है यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है वन अपॉन थ्री ऑफ ए राइट एंगल इज़ फोर्टी फाइव डिग्री तो बच्चों ये गलत है अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आई एम ए रेक्टेंगल मैं जो हूँ एक रेक्टेंगल हूँ आई है स्क्वायर ऑफ लेंथ वन सेंटीमीटर इच मेरे पास जो है एक सेंटीमीटर के स्क्वायर्स हैं माई एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा जो एरिया है वो कितना है तो बच्चे यहाँ पर देखिए ये रेक्टेंगल है इसमें कितने स्क्वेयर हैं वन सेंटीमीटर तो बच्चे टू हैं तो यहाँ पर टू लिखेंगे माई एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो बच्चे यहाँ पर टू जो हैं स्क्र्स हैं वन सेंटीमीटर लेंथ के तो इसका एरिया कितना हुआ टू सेंटीमीटर स्क्वायर आ ट्राइंगल इज इस मेड इन साइड मी इसमें जो है इट मीन्स में एक ट्राइंगल बना हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्राएंगल है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ मी अब बच्चों जो ट्राइंगल है उसका एरिया मेरा आधा है द नेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज सेंटीमीटर स्क्वायर तो बच्चों अब बताना है कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है तो बच्चों जब इसका जो एरिया है वो टू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम इसका आधा करेंगे कितना हुआ तो आधा है बच्चों वन सेंटीमीटर स्क्वायर जो ट्राएंगल है उसका एरिया है वन सेंटीमीटर स्क्वायर अब है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द गिवन पोस्टल स्टैम्प बच्चों यहाँ पर दी गई पोस्टल स्टैम्प का आपको पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ग्रिड इज़ वन सेंटीमीटर यदि इसकी प्रत्येक साइड जो है वन सेंटीमीटर स्क्वायर की है तो बच्चे इसका एरिया कितना है तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो बच्चे इसका एरिया है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर अब बच्चों पैरामीटर है तो इसकी साइड को गिनेंगे हम वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर फोर है इधर भी फोर है बच्चों इधर कितने हैं वन टू थ्री और इधर भी थ्री हैं कितना हो गया फोर और फोर एट और थ्री इलेवन और थ्री फोर्टीन तो इसका पैरामीटर है फोर्टीन सेंटीमीटर नेक्स्ट है ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एंड एन ऑप्टिज़ एंगल इन द गिवन क्लॉक्स बच्चों यहाँ पर हमें एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है और एपट्यूज़ तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं ये जो है नाइन्टी डिग्री से कम है एक्यूट एंगल है यहाँ पर और ये बच्चों नाइन्टी डिग्री से ज़्यादा है तो यहाँ पर कौन सा एंगल है ऑप्टूज़ एंगल है नाओ क्वेश्चन इज सार्डिन फिश इज प्राइस एट रुपीज फिफ्टी पर किलोग्राम बच्चों सार्डिन जो फिश है उसकी जो प्राइस है वो पचास रुपये किलो है यू हैव ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ टू हंड्रेड और आपके पास जो टोटल रुपीज़ हैं वो टू हंड्रेड हैं हाउ मच फीसज कैन यू बाय विद दिस अमाउंट आप इन अमाउंट से कितनी फीस ले सकते हैं तो बच्चों पैसे हैं टू हंड्रेड और जो प्राइस है वो है फिफ्टी रुपीज़ पर के जी तो हम फिफ्टी से टू हंड्रेड को डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आया फोर इट मीन्स टू हंड्रेड रुपीज़ में हम केवल फ़ोर किलोग्राम फीस ले सकते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कंप्लीट द फिगर सो दैट इट्स एरिया इज़ ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों यहाँ पर ये इतनी जो है फिगर बना कर दी गई है अब हमें इसे इस तरीके से कंप्लीट करना है कि इसका जो एरिया हो वो ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बच्चों हम इसे इस तरीके से करेंगे कि इसका जो एरिया है वो अब कितना है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर तो देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आधा और आधा वन टेन उसके बाद बच्चों हाफ और हाफ ये है इलेवन और ये वाला हाफ और ये वाला हाफ है ट्वेल्व तो बच्चे इसका जो एरिया है वो कितना हुआ ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर नाउ पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन काउंट द डिफरेंट एंगल्स इन द गिवन नेम एंड राइट डैम बच्चों दिए गए नाम में आपको अलग अलग एंगल्स को काउंट करना है और लिखना है नंबर ऑफ राइट एंगल्स तो बच्चे इसमें राइट एंगल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे इलेवन नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स तो बच्चे इसमें एक्यूट एंगल्स कितने हैं टेन हैं कहाँ पर हैं देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो बच्चों अब नेक्स्ट है यहाँ पर टेन लिखेंगे नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑप्टिवज एंगल्स अब बच्चे यहाँ पर बताएंगे ऑप्टिवज एंगल इसमें कितने हैं फर्स्ट है बच्चों इस तरीके से वन उसके बाद है बच्चों टू फिर इस तरीके से थ्री तो थ्री बच्चों इसमें हैं फिर एच में हैं फोर फाइव उसके बाद है बच्चों ए में सिक्स सेवन अब बच्चों उसके बाद हैं एट और नाइन तो यहाँ पर ऑप्टुज़ एंगल है नाइन अब बच्चों, बच्चों, है बच्चों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्राइस ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रुपीज़ सिक्सटी पर के जी एंड रुपीज़ फोर्टी पर के जी रेस्पेक्टिवली इन द मार्केट बच्चों एप्पल जो हैं वो हैं सिक्सटी रुपीज़ पर के जी और ऑरेंजेस हैं फोर्टी रुपीज़ पर के जी यू बॉट टू के जी एप्पल्स आपने दो किलो एप्पल्स ख़रीदे एंड थ्री किलोग्राम और तीन किलो ऑरेंज खरीदे कैलकुलेट द टोटल अमाउंट स्पेंड अब बताइए कि आपने इस पर टोटल कितने अमाउंट खर्च किए तो बच्चों एप्पल्स ख़रीदे हैं टू किलोग्राम सिक्सटी पर केजी के के अकॉर्डिंग तो हम टू से सिक्सटी को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने प्राइस हुए वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ औरेंजेज़ हैं फोर्टी रुपीज़ पर के कितने लिए थ्री के तो हम थ्री से फोर्टी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आया वन हंड्रेड ट्वेंटी अब बच्चों हम 120 को और 120 को प्लस कर देंगे तो कितना अमाउंट हो गया टू हंड्रेड तो बच्चों टोटल अमाउंट कितने स्पेंड हुए टू हंड्रेड नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन द एरिया ऑफ ऑरेंज रेक्टेंगल ए सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों ये ऑरेंज रेक्टेंगल है इनका हमें एरिया बताना है तो कितने देखते हैं कितने स्क्वायर्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे ट्वेल्व इसका एरिया है ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर नेक्स्ट है द एरिया ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल ए सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों अब बताना है जो ग्रीन कलर के हैं तो कितने स्क्वायर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसका एरिया है एट सेंटीमीटर स्क्वायर द एरिया ऑफ रेड ट्राइंगल ए सेंटीमीटर स्क्वायर अब बच्चों यहाँ पर ये ट्राएंगल दिया गया है हमें इसका एरिया बताना है तो बच्चों यहाँ पर ऑरेंज जो रेक्टेंगल है इनका जो ये टोटल कितने हैं ट्वेल्व हैं तो इसका हाफ़ जो है हाफ कितना हुआ सिक्स इट मीन्स जो बच्चे इसमें हाफ ट्राइंगल है इसका एरिया कितना हुआ सिक्स अब बच्चों देखते हैं ग्रीन तो ग्रीन में टोटल कितने हैं तो टोटल हैं एट तो इसका हाफ़ कितना हुआ फ़ोर अब बच्चों हाफ इसका हो गया हाफ इसका तो टोटल तो कितना हो गया जो ट्राइंगल का एरिया है सिक्स फोर टेन इट मीन्स टेन सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे टेन Students, if you like this video, please like and share. And if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.